जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार मद निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए 45 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी फटाफट से एक बार सेशन को शेयर करें। तो देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, 50वें भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आप सभी लाइव चैट में आंसर करेंगे, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो लाइव चैट में सी ऑप्शन आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के अभी वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश है और ये 50वें भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। शॉर्ट में DY चंद्रचूड़ कहा जाता है, ध्यान रखना है। इससे पहले कौन थे? तो 49वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे UU ललित। दूसरा प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी कौन है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आंसर बताएंगे, भारत के महान्यायवादी कौन है। तो देखिए, दूसरे प्रश्न का आंसर है D ऑप्शन, श्री आर वेंकट रमनी भारत के महान्यायवादी है, ध्यान रखना है। अब बात करें महान्यायवादी की, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और आर्टिकल 76 में इसका वर्णन किया गया है महान्यायवादी के बारे में। तीसरा प्रश्न है, भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है। चलिए, तीसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर करेंगे, भारत के वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं श्री ओम बिरला, भारत के वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। A ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। चौथा प्रश्न है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो चौथे प्रश्न का आंसर जो बच्चे ओम मीटर को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है, लेकिन चालक के विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई पूछे तो ये ओम मीटर होता है। पांचवा प्रश्न है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। और ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे, तेल का एक बैरल जो होता है लगभग कितने लीटर के बराबर होता है। तो पांचवें प्रश्न का आंसर जो बच्चे B को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है, 159 लीटर के बराबर होता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण क्या है। चलिए, आप सभी 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप लोग लुसेंट बुक से GK GS या फिर टॉपिक वाइज GK GS का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। और देखिए, इसके साथ साथ आपको उस चैनल पर वीकली करंट अफेयर्स का प्रत्येक संडे क्लास भी मिलेगा, तो आप लोग उस चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो छठे प्रश्न का आंसर जो बच्चे सूर्य को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। सूर्य जो है ये एक गैस का गोला है, इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसें होती है, ध्यान रखना है। और सूर्य जो है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी ध्यान रखना है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह पूछता है तो बुध है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। और देखिए, कोयला की बात करें तो सबसे उच्चतम कोटि का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है, और सबसे लो क्वालिटी का जो कोयला होता है वो पीट कोयला होता है। अगला प्रश्न है,
उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है? एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। उत्तर दक्षिण जो गलियारा है किसको जोड़ता है? तो याद कर लीजिए, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है उत्तर दक्षिण गलियारा, ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्न में से कौन संविधान निर्माता सभा का सदस्य नहीं था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे एग्जाम के लिए, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन संविधान निर्माता सभा का सदस्य नहीं था? तो आठवें प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे मोहम्मद अली जिन्ना को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ध्यान रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह आपको याद होगा, जो कि 1928 में हुआ था, तो बारदोली सत्याग्रह के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? ये प्रश्न बिहार पुलिस हो या बिहार मद निषेध सिपाही, एग्जाम में काफ़ी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। देखिए ऐसे तो ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा गया है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो याद रखिएगा, वन का रोपण करके यानी कि वनोरोपण द्वारा रोका जा सकता है। आगे देखिए, भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, जो भारत के निहाल सरीन है इनका संबंध किस खेल से है? तो याद कर लीजिए, इनका संबंध शतरंज से है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। 11वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रखता है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, दांडी यात्रा 1930 से शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, और ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, सभी प्रश्न सिलेक्टेड है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब है, शिक्षा और प्रशिक्षण, ये जो है मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है। अगला प्रश्न है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, स्टालिन। स्टालिन जो है ये लेनिन का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक किसने खोजा था? चलिए आंसर कीजिए, परमाणु का नाभिक किसने खोजा था? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, 14 नंबर का आंसर है, रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने, प्रोटॉन की खोज की बात करें तो रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, दोनों को ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का विस्तार किया था? देखिए गोबर गैस में मीथेन मिलता है, ध्यान रखना है, और मीथेन का सूत्र होता है CH4, और मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। सोरेंसन की बात करें तो pH स्केल का पता लगाया था सोरेंसन ने। तो यहाँ पे बताना है, गोबर गैस प्रणाली का विस्तार किसने किया था? तो सही आंसर है CB देसाई ने। 16वां प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? चलिए 16 के लिए आंसर करेंगे, तो बिल्कुल सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखना है, बाल गंगाधर तिलक को
लोकमान्य की उपाधि दी गई है, ध्यान रखना है, एनी बेसेंट को ध्यान रखना है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर, सॉरी प्रश्न है ब्रह्म समाज जो है ये किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए ब्रह्म समाज की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और 1815 में ही राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे 17 का आंसर क्या होगा, एकेश्वरवाद। अगला प्रश्न है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, चलिए आंसर बताएंगे 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है। तो देखिए एक पूछा जाता है 8 डिग्री चैनल, तो लक्षद्वीप को मालद्वीप से पृथक करता है 8 डिग्री चैनल। भारत को श्रीलंका की बात करें तो भारत को श्रीलंका से पृथक करता है पाक स्ट्रेट, और 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पूछे तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको खास कर ध्यान रखें। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन है, तो अभी याद कर लीजिए ये है धारवार तंत्र। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन या एनलेजेसिक। तो देखिए भारत में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या के सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर दर्ज की गई थी किस राज्य में, चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, बिहार, नागालैंड, सिक्किम या फिर उत्तर प्रदेश। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, बिहार में, ध्यान रखना है ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। बिहार की राजधानी पटना है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित होती है। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर है स्वयं राष्ट्रपति में निहित होती है, ध्यान रखना है। अब बात करें राष्ट्रपति, तो देखिए राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से लेकर 61 में बताया गया है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि किस आर्टिकल में बताया गया है। तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र सीमा 35 वर्ष है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी, चलिए तय इसके लिए आंसर बताएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा किया गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, ये प्रश्न आपके बिहार मद निषेध सिपाही में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए 1917 में देश की पहली जूट मिल ये स्थापित की गई थी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में, और जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य पूछे तो पश्चिम बंगाल जो है जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। अहमदाबाद की बात करें तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत को किस श्रेणी में रखा गया है,
चलिए 25 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखिए, भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, विकासशील देश की श्रेणी में रखा गया है। आगे देखिए, भारत में लौटता हुआ मानसून की ऋतु की अवधि क्या है? यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। चलिए आंसर बताएंगे, भारत में लौटता हुआ मानसून की ऋतु की अवधि क्या है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है अक्टूबर नवंबर है। आगे देखिए, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, 27 नंबर प्रश्न का आंसर आम्र वर्षा नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा चाय वर्षा, ध्यान रखना है टी रेन। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए, अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है। किसके नेतृत्व में? तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था, और अध्यक्ष बने थे W.C. बनर्जी। और जिस समय स्थापना की गई थी उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोगों ने, लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों ने एक साथ शपथ ग्रहण की है, अब न्यायालय में कुल देशों की सॉरी यहाँ पे जज होगा कुल जजों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? चलिए 29 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 29 का आंसर क्या होगा? 33, ध्यान रखना है 33। अगला प्रश्न है, विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? तो देखिए, ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला जो है वैलेंटिना टेरेस्कोवा है, सभी को पता है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। और जैसे कि आप सभी को पता है, आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न करंट अफेयर्स से भी रहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, याद कर लीजिए, गोवा, ध्यान रखना है, गोवा की राजधानी पणजी है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? देखिए, बेसिक लेवल का प्रश्न है और एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान रखें, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है ये ठाणे जिला है। तो ये ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। और आपको याद होगा, बम्बई से ठाणे के बीच में पहली ट्रेन चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ये भी ध्यान रखना है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता था? चलिए 33 के लिए आंसर बताएंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और देखिए, क्लास का टाइमिंग जिसको नहीं पता है आपको बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा, फिर रात 8:30 बजे बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता था? तो याद रखना है, गुप्त काल को कहा जाता था। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो ध्यान दीजिए, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस, यहाँ पे उत्तल होगा, सही कर लेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? तो 35 नंबर का आंसर है ए ऑप्शन,
2005 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सभी लोगों का सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? चलिए आंसर देंगे, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो देखिए, इसका सही जवाब है नील हरित शैवाल जो है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, क्या नाम है? तो देखिए, 38 नंबर का आंसर जो बच्चे माइकोप्लाज्मा को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है माइकोप्लाज्मा है। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लैमार्क और ट्रेवरेनस ने, लेकिन जीव विज्ञान का जनक पूछे किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, ध्यान रखना है। और अरस्तु कौन थे? तो ये सिकंदर महान के गुरु थे। जीव भार का पिरामिड किस परितंत्र में उल्टा यानी कि विपरीत दिशा में होता है? ये प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखें। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से 40 के लिए। तो किस परितंत्र में उल्टा यानी कि विपरीत दिशा में होता है? तो सही आंसर है जलीय। आगे देखिए, कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? चलिए 41 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस यानी कि ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन कायांत्रित चट्टान का उदाहरण नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखें, आपको बताना है कौन कायांत्रित चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो चूना पत्थर जो है यह कायांत्रित चट्टान का उदाहरण नहीं है, जबकि नीस, संगमरमर, स्फटिक ये कायांत्रित चट्टान के उदाहरण है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ILO, इन सभी का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड का शहर है, लेकिन स्विट्जरलैंड की राजधानी पूछे तो बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न है, ध्यान रखना है। और WHO की स्थापना भी पूछा जाता है 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है, इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्षा वाले बादल श्वेत क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका रीजन है प्रकाश का प्रकीर्णन, याद रखना है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण वर्षा वाले बादल श्वेत दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा में उगने वाले कीट भक्षी पौधों में किसकी कमी होती है? ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, तो जिसने लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें। तो मृदा में उगने वाली कीट भक्षी पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।